पूरा गांव ही कच्चों से गए। हाँ गांव तो कच्चो नहीं, घर कच्चा है, घर कच्चा है। अच्छा गांव कच्चों को ना, केवल घर ही कच्चा सी। अच्छा था कहीं बाल बच्चा की शादी करो, सगाई करो, जना दूसरा गांव का मना कौन करी भाई, इंडे तो कच्चा कर जी में, माँ की छोरी ने कच्चा कर हमें कौन दिया। हमारी उम्र तो थोड़ी है 85 की। राम राम सा, नमस्कार, मैं राजेंद्र निवाणा। आज था ने मेरा दोस्त है की साथ एक यान को गांव दिखावा ले रहे हूँ, जो थे देखकर बहुत आश्चर्य करोला कि 21वीं सदी का भारत में भी यान को गांव वैसे कच है। तो मैं था ना आज मेरा दोस्त आसू परिचय करवाऊँ छू, ऐसी राकू जी और ओछे प्रभु, नहीं नहीं वो प्रभु नहीं, निवाणालो प्रभु। तो चला जा और भी गांव में देखा जा आज। तो लियो अब मैं पहुंच चुके हैं देवमाली गांव, और ई गांव की आप विशेषता से है कि मायने एक भी पक्को मकान कौन है। तो आज मैं था ना वो पूरा गांव दिखा वाला और इंडे का लोगा सुविधा ने मिला वाला बात करवा वाला। राम राम जी। राम राम जी। राम वो पूरा गांव ही कच्चों से गए। हाँ गांव तो कच्चो नहीं, घर कच्चा है, घर कच्चा है। अच्छा गांव कच्चों को ना, केवल घर ही कच्चा सी। आज जो था ना गली दिख रही है, अब एक साइड में एक दीवार है और दूसरी तरफ भी दीवार है। दीवार में सिर्फ एक गारा माटी सुई चुकड़ा जी बाटा जचाएड़ा जी, एक मायने सीमेंट बिल्कुल ही काम में को ली गई, और एक मायने गांव में कोई भी निर्माण में सीमेंट तो काम में ली ही कोने बिल्कुल भी। राम राम सा। राम राम सा। राम राम। सबसे पहले मैंने ये बताओ कि गांव में मैं देखा कि पूरा घर ही कच्चा सी, एक भी पक्को मकान को न, तो थे पक्का मकान क्यों नहीं बनाओ, और ये में पूरा अगर कच्चा ही क्यों सी। भगवान की मनाई है, जो भगवान ने मका बडेरा ने कियो कि भाई अपने पक्को मकान नहीं बनाणो, कच्चा में ही रहनो, आ भगवान की मनाई है, इसलिए मतलब माँ के कच्चा मकान ही है। तो था ना देवनारायण जी मना कर मिले सी। माँ ने मना, देवनारायण मना की दौड़ा है, माँ के दारू पानी मीट मांस इस गमन ने चले, इसमें मिट्टी का तेल भी गमन ने बढ़े। अच्छा बाबा जी, गांव में घर कतराक सी टोटल? टोटल घर है 300 घर है। तो सारा ही कच्चा सी के? सब कच्चा ही कच्चा मकान सब। कोई पक्को बनावे की कोशिश भी कौन करियो क्या हाल तनी? नहीं कोशिश करी, पर भगवान ने मना ही कर दी, उसके न बनावा दिया, क्योंकि जो कोशिश करे वो बना देवे तो उसका नष्ट कर दे बिल्कुल, इसलिए मतलब कोशिश अब कोई ना करे। अच्छा था कहीं बाल बच्चा की शादी करो, सगाई करो, जना दूसरा गांव का मना कौन करी भाई, इंडे तो कच्चा कर जी में, माँ की छोरी ने कच्चा कर हमें कौन दिया। नहीं करे वे मना करे छोरी अपना आप ही आवे, ये बालक हो जाए तो मीट मांस दारू के बाल जावे, हमारे जो मतलब स्वतंत्र हाँ जो छोरी मार पीट की मारे अपना आप मांगे रह जाती, वे दारू पानी पीर कूटे दे मतलब भाग रटे आ जा, देखा को कई दुख होना, अटक गई दुख होना, अच्छा ऑटोमेटिक हकमन करबाने जावा दे आ जाए। वो जो था ना पहाड़ी पर मंदिर दिख रहे है, वो देवनारायण जी को मंदिर से, ई गांव में सिर्फ वो ही पक्को से, बाकी सब कुछ कच्चो से।
अम्मा था ने भगवान श्री देव नारायण का मंदिर का दर्शन करवाओ सा और इन्हें प्रसाद ले सा। अब मैं भगवान श्री देवनारायण जी का दर्शन कर चुका था और इक पाछी मथा ने इस गांव को पहाड़ के ऊपर से बहुत ही चोखो दृश्य दिखावो चाहूँ छू। जो थे देखो कतरो बढ़िया वो गांव नजर आ रही थी इंडे सू पूरा अगर एकदम कच्चा छी और बहुत ही बढ़िया छी मतो घेरे छू बहुत खूबसूरत छी था सब लोग इंडे आर वो गाँव देखनू चाहे पूरा का पूरा था ना 400 घर दिख रहे विला जहाँ में एक भी पक्को को न सारा का सारा कच्चा। ई गांव का इतिहास का बारे में माने बताओ। ई गांव का इतिहास में यही है कि हमारा बढ़ेरा एक ही आया था यहाँ जब भगवान उसको भगवान अरूबरू बात करिए जैसे आप बात करा ना जैसे बात करिए कि भाई तू उठे रेवे हमारी सेवा कर अरे ये पक्को मकान कभी ना बनाओ इसलिए भगवान मारा बडेरा ने कह दियो। अरे एक ही बडेरा का 300-350 घर है एक डोकरा का है इमाद मूसी जात को ना हमारा सुहाई मतलब पूरा गांव को पूर्वज सिर्फ एक ही से एक ही है एक ही है बडेरो एक ही खानदान है एक खानदान है जैसे एक ही डोकरा की औलाद है 250-300 घर हाँ। अरे हमारे डोकरा जो मतलब के जो डोकरा ने वचन दिया जे कियो भाई के मारे साथ सल्ला खड़ा कर एक ही सल्ला को मैं मंदिर बनायू हूँ कोई सिम में आवे तू पक्का बनावे तो मतलब के मारे जो अजर अमर मंदिर आग दीजिए और दूजी जो कियो माके डोकरो नड़जो सा के आपके चुनो जो समझ लागी आपकी लागी मारे कच्चो ही रही उठे सोई गुना थारा माफ है जा मतलब के जो मतलब के थारे कोई बात की कमी ना आवे जो दन दूनी रात सोगनी हो जाए जो मतलब के वो भगवान का ही मंदिर बने पक्को बने तो और हमारे तो कच्चे ही है। अच्छा तो थे जी दूसरा गांव में जाओ जो और बिंडे थे बढ़िया बढ़िया मकान देखो जो टाइल लगियोड़ा बढ़िया बढ़िया प्लास्टर योड़ा छत का मकान तो कदे था के मन में गुनावे की आप पक्का बनावा मां के मन में आवे मां के मतलब के सातवें के सातवें दिन आठवां दिन चोको लागे गाय का गोबर को और गाय का गोमूत को चोको लागे वहाँ का ही चोका लागे वहाँ तो खड़ी फेरता को रही वहाँ के कोई चोका ना लागता हमारा चोका तो हमारा लागे है हमारे हमेशा सातवे दिन अचुताई होती है पक्का मकान आला पीले का मकान आला कोई अचुताई कौन है वह गंदा ही रहता है हमारे बोरी का टाटू को पानी फेरे वहाँ के तो मतलब नत नुआ बने सातवे को सातवे दिन चोको लाग जाओ साहब। अच्छा बरसात का मौसम में तो था खूब दिक्कत आती होली कोई दिक्कत नहीं है हमारे आनंद रहे कोई दिक्कत को ना मकान ठंडा रहे अरे हमारे भगवान की कृपा में जो पंखा लाग गया अब लाइटें दे दी सरकार और कोई बात की चैन को ना कोई माँ के करंट आवे ना माँ के कोई बात की हानि आवे अरे हमारा मकान कुछ ज्यादा है जो तुम्हारा वो मतलब सोमने पता लागे भगवान को भरसो है था के रोजगार को मुख्य साधन कहीं से मुख्य साधन गाय भैंसे हैं लेडी चाली है कुछ खेती भी है यही है हमारा रोजगार पूरा गांव की जमीन ही भी देवनारायण भगवान के नाम से था के बिल्कुल ही नाम को नहीं जमीन का नाम कौन देवनारायण के नाम है हमारा सब मकान जमीन बेरा कूड़ा सब भगवान के नाम है हमारा नाम कुछ भी नहीं है ये मगर हमारा मकान का कोई पट्टा नहीं है ये भगवान के नाम ही है भगवान का नाम ये सब भी मक के मतलब कोई कोई फैली मक बटेरा की नाव मक तक नाव बस भगवान रसिद मक नाव की है अब सब देवस्थान भरी की है अब मान का कोई लाभ कौन ना
मौज करो बेटर है वो सरकार के आठ कर भाई कोई जरूरत ही कौन ना। अच्छा कोई भी सरकारी योजना था कौन मिले कोई ना मतलब घर बेटर है वो कोई तो खावा दूजी बेटा बेटा नाला अब भगवान की जांच करो। इंडे एक क्लिनिक छे छोटो सो वो भी पूरो ही कच्चो छे आने दीख रहे ओलू उपरा ने कोलू का छते और गोबर सुली मिले छी। अब मैं थाने आ कच्चा ग्राम के मायने लेर चालू छू और मायने थाने दिखाऊं छू कि आखा कमरा की आण का छी आखो रसोई की आण की छे आखो चूलो की आण को छे। तो चला छा आपा मायने देखो ए बोचो का मांडना बना मिले जी और वो आको कमरों से अभी खोलर भी दिखा वाला था ने वो आको कच्चो चूलो आगो और ऊपर की छत भी थे देखो कि बिल्कुल कच्ची और लकड़िया सु बनाईडी से बांस की लकड़िया सी है और था ने देखो चौक दिखावा सा गाय और बेशबंदरी सी की और एक दूसरो बरामदो आगो जो भी थे देख सको सो अलग अलग आखा कमरा सी। अब था ने दूसरी तरफ आगे रसोई की तरफ लेर चला जा। राम राम माता जी। माता जी था को पीर किंडे छ पीर ठीक है सा मसुदा के पास में तो बोगा हो तो पक्को हो लो पक्का है तो फिर इंडे कच्चा घर माया जाना था ना अजीब गोल लागियो नहीं ना लग जा सा तो कच्चा घर मा आराम सुरे लियो जो आराम से रहो सा पूरो गांव कच्चो ही कच्चो है पक्का मकान बनावी नहीं बाबा आपकी उम्र कितनी है मारी उम्र तो थोड़ी है 50 है की राम जी राम राम सा ठाकुर नाम कहीं से ठाकुर से लो अब था ने दिखावा फैंसी स्टोर की दुकान आखो यातायात को मुख्य साधन से वो जुगाड़ ये जुगाड़ सुई इन्हें डुगडुगियो बोली सी है और इस सारा काम करी सी। ई गांव का युवा सु भी मैं था ने मिलाबो चावा सा एक युवा साथी मा के साथ सी जासू आपा अब मिलाला काई नाम छे था को सुरेश गुजर सुरेश गुजर कौन सी ताणी फटोड़ा छो बीए पास हां एमए प्रीवियस में एडमिशन है एमए प्रीवियस में एडमिशन छे का काम काई करो छो डेयरी को हम सरस डेयरी सरस डेयरी को अच्छा था का और सब युवा साथी कहीं काम करवी छी गांव में कोई नौकरी लाग गया है कोई पढ़ाई कर रिया भी है कोई प्राइवेट जॉब कर रिया है तो भैया गांव में मेन रोजगार कहीं से वो कोई रोजगार मेन रोजगार है कौन है ज्यादातर तो सब किसान का बेटा ही है जो खेतीबाड़ी करी से खेतीबाड़ी करे हां वो था को पूरो अगर कच्चो से तो ये की साफ सफाई किया करो सो आंधी आ जाती होली तो पूरा माटी हो जाती होली नीपा सारे पांडू आंडू ढोला आ रे पीलियों साफ सफाई करा रे कतराक दिन सुलीपो छो नी जा दो दिन नहीं लाग जावे तीन दिन नहीं लाग जावे अब हम आपको देवमाली गांव के पूर्व सरपंच साहब से मिलाते हैं माधो सिंह जी से जो इस गांव के बारे में बताएंगे सरपंच साहब ये इस गांव में आपके कौन कौन से ग्राम और आते हैं हमारे इस गांव ग्राम पंचायत देवमाली में 9 गांव आते हैं यहाँ से भगवानपुरा लालावास देवपुरा सोपरा देवगढ़ और ऊपरा पीतावास जोरापुरा और खेल अच्छा टोटल वोटर कितने हैं इस गांव में 4,500 करीबन वोटर है हमारे यहाँ पर देखो ये गांव में एक दुकान भी है
लेकिन अभी बिल्कुल कच्ची से थे माइनस हुई की छत देखो ला आ देखो एक ही छत से और अभी बिल्कुल कच्ची से मतलब ई गांव में दुकान भी पक्की कोने क्लिनिक भी पक्को कोने डाकघर भी पक्को कोने वीडियो में जो थे गांव देख रहे था वो गांव से देवमाली अजमेर से करीब 60 किलोमीटर दूर से वो गांव और ई गांव में सिर्फ घर ही कच्चा सी लेकिन ई गांव में रे बड़ा आदमी का दिल बड़ा पक्का सी ई गांव इको अंदाजो थे ई बात सु लगा सको छो कि ई गांव में कोई भी आज तक FIR को नहीं अगर कोई छोटो मोटो झगड़ो हुए भी से तो बिना खुद ही दो चार लोग मिल बैठ और सल्टार वो कर ली सी बी को। अगर था ना वो वीडियो पसंद आए हुए तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कर जियो और माँ का चैनल ने राजू का सफरनामा ने सब्सक्राइब कर जियो और ई गांव ने थे भी एक बार जरूर देखवा जियो। तो आज राजू को सफरनामो इंडे ही खत्म हो चाहे।